हेलो गाइस, अगर आप ट्रेड लेने से पहले ये तीन चीज़ को देख लेते हो उसके बाद आप ट्रेड में एंट्री करती हो तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 90 से 95 चांस तक प्रॉफिट करोगे। आपने देखा होगा कि जो उभरे हुए ट्रेडर होते हैं उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है और लॉस बहुत कम होता है। इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा जो आप ट्रेड लेते हो ना उसमें क्या मिस्टेक करते हो, क्या गलतियाँ करते हो जिससे आपका लॉस ज़्यादा होता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से सही तरह से ट्रेड ले सकते हो जिससे आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लगे लाइक करना और चैनल आप नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना। चलो बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। तो सर, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि आप जो ट्रेड लेते हो उसमें क्या मिस्टेक करते हो। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे आपको एक ट्रेड लेना है जो कि निफ्टी में आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो यहाँ आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, चार्ट देखने के बाद आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, सपोर्ट लेकर मार्केट अब जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करो, एक कॉल साइड के लिए आप ट्रेड बना लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो गलती क्या कर रहे हो कि आप सिर्फ निफ्टी का चार्ट देखे और देखने के बाद आपने एंट्री कर लिया। ठीक है, अभी आप इसके अलावा कुछ भी नहीं देखा। ठीक है, किसी और का चार्ट नहीं देखा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ से डाउन जा रहा है। ठीक है, और डाउन जाएगा तो आपका लॉस होगा, लॉस होगा तो आपको वहाँ से आप एग्जिट हो जाओगे। ठीक है, तो आप इसमें गलती क्या क्या है कि आपने सिर्फ निफ्टी का चार्ट देखा है। ठीक है, और आपने किसी और चीज का चार्ट नहीं देखा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको सही तरीके से ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, मान लो आपको निफ्टी में ट्रेड करना था। ठीक है, तो आपने देखा कि निफ्टी का चार्ट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो आपको तुरंत ही ट्रेड नहीं लेना, आप दोबारा आपको जाना है यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट देखने के लिए। ठीक है, तो आपको या तो उसी फोन में देखो या तो अगर आपके पास और भी सेटअप है और भी स्क्रीन है उसमें दे सकते हो। ठीक है, अपन लगा के रख सकते हो सामने स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाना है और बैंक निफ्टी में जाकर देखना है कि आपको बैंक निफ्टी किस जगह पर ट्रेड कर रहा है। अगर निफ्टी सपोर्ट के पास है तो बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट के पास होना चाहिए, तभी एक मतलब कि अच्छा ट्रेड बनता है। ठीक है, और उसके बाद अभी भी ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, तीसरा जो स्टेप है वो है कि आपको एक रिलायंस का चार्ट देखना है। ठीक है, रिलायंस भी अपने सपोर्ट के पास होना चाहिए। और ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे क्या रीजन है मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तीनों अगर सेम है तो आपका ट्रेड ले रहे हो बहुत ही मस्त ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, बहुत ही बहुत अच्छा ट्रेड ले रहे हो जिसमें आपको प्रॉफिट होने का बहुत ही ज्यादा अच्छा चांस है। ठीक है, अब चलो देखते हैं इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, देखो निफ्टी जो है, निफ्टी 50 जो है उसमें कितनी कंपनी है, 50 कंपनी है। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, रिलायंस। तो रिलायंस जिधर मूव करेगा उधर निफ्टी 50 को मूव करना पड़ता है। ठीक है, और दूसरी क्या है, जो बैंक निफ्टी है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कितने 12 बैंक है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी जिधर मूव करेगा उधर निफ्टी को भी मूव करना पड़ता है। ठीक है, तो तीनों का कंबिनेशन एक दूसरे से मिलता जुलता है, इसीलिए अगर तीनों का डायरेक्शन भी सेम होता है ना तो प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा होता है। ठीक है, और आपको ये एक बार ट्राई करके जरूर देखना, तो देखना कि बिल्कुल ये सही चीज है। ठीक है, ये कोई गलत चीज मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सही चीज है, इस चीज को आपको ट्राई करना। ठीक है, तो आज के लिए।